नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक फ़ोन है सैमसंग का। तो क्या होता है कभी कभी दोस्तों, FRP आप हटाते हैं UMT सोर्सेज से या तो किसी और भी सोर्सेज से आप UMT हटाते हैं। तो हमने जैसा कि आपको दिखाया कि FRP आप डाउनलोड मोड से हटा रहे थे तो उसमें रिजेक्टेड फाइल आ गया। और फाइल आने के बाद देखिए दोस्तों, जो फ़ोन चालू था, क्योंकि कस्टमर FRP पे देता है और दूसरी चीज़ें सारी चीज़ें वो करता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए इसमें एक एरर का आ गया, सिक्योरिटी एरर करके एक आ गया इसमें। अब इसे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं दोस्तों, एक बात बता दूँ, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सैमसंग का S7 फ़ोन है और इसको अगर किसी ने FRP हटाई या फिर जो भी किया तो ये एन एरर पे एक सिक्योरिटी एरर होता है, यूज़ द इमरजेंसी रिकवरी फंक्शंस इन द स्मार्ट स्विच PC सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना होता है, या तो पूरा फ्लैश करना होगा, पर आपको एक चुटकी में, हमारे यहाँ ट्रिक है, आप उसको करेंगे इजली ये रिमूव हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। तो दोस्तों यही चीज़ में एक सिक्योरिटी एरर हमारे स्टूडेंट के लिए मैं दिखाना चाहता था और हमने ये दिखा भी दिया है। इसको कैसे आप आगे चल के इन फ्यूचर आप करते भी हैं, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आप लास्ट की वीडियो को देखें और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम एक बार इसको पहले से पहले FRP हटाई थी, FRP पे रिसेट क्लिक किया था, तो दोस्तों ये रिजेक्टेड बैटरी का आ गया था, मैसेज आ गया था, एक सिक्योरिटी एरर आ गया हमारे सिस्टम में। अब इसको फिर से कुछ नहीं करना है दोस्तों, डाउनलोड मोड पे कनेक्ट करना है फ़ोन को। अब डाउनलोड मोड फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको ड्राइवर्स दिखा दूँ, ड्राइवर्स आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि हमारा जो फ़ोन है डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें आपको। इसीलिए हमारे चैनल में कोई भी फेक वीडियो नहीं बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग का ड्राइवर बना चुका है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वन क्लिक में आप इसकी, जैसे फ़ोन था कस्टमर का, जिस कंडीशन में फ़ोन था, लोगो पे था या फिर वो सॉफ्ट ब्रिक था या FRP था, जिस कंडीशन में पैटर्न में था दोस्तों, उसी कंडीशन में फ़ोन आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं सॉफ्ट अनलॉक देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा टूल है UMT और कॉलकॉम के लिए भी बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं, बस आपको सॉफ्ट ब्रिक करना है, सॉफ्ट अनलॉक, और वन क्लिक में इसकी FRP नहीं दोस्तों, सॉरी, इसकी जो सॉफ्ट सिक्योरिटी एरर थी, वन क्लिक में सिक्योरिटी अनब्रिक हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर अनब्रिक हो गई है, फ़ोन हमारा ब्लिंक हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो के माध्यम से, ये देखिए डाटा केबल से लगा ही हुआ है दोस्तों, डाटा केबल से लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये जूम करके दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देखिए अनब्रिक फेल हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे ही वहाँ पे अनब्रिक हुआ, फ़ोन हमारा जो एक सिक्योरिटी एरर में था दोस्तों, तो चुटकी में इजली में दोस्तों, मैं आपको बता दूँ सारी चीज़ें। अब ये दोस्तों देखिए, जहाँ पे था जैसा था, ये यहाँ पे चला गया, रिकवरी मोड पे चला गया। अब रिकवरी मोड से हम हटाएंगे दोस्तों, ये सिक्योरिटी एरर हमारा दिखाने का मैटर था कि सिक्योरिटी एरर, देखिए हमारा फ़ोन चार्ज होने लगा है दोस्तों, सारी चीज़ें। अब ये फ़ोन प्रॉपर ऑन हो जाएगा, और मतलब जो एक सिक्योरिटी एरर में था वो सिक्योरिटी एरर दोस्तों नहीं रहेगा। मैं एक बार इसको चालू करके दिखा देता हूँ, तो वो हमारा जो सिक्योरिटी एरर में था वो सिक्योरिटी एरर हट चुका है पूरी तरीके से, जो सिक्योरिटी एरर में था दोस्तों, सिक्योरिटी एरर हट चुका है। थैंक यू, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।